अभी तक हमने पावर ब्रेकफास्ट में जो डिस्कस किया उस हिसाब से ये समझ में आया कि आज बाजार तेज होगा, 10,080 तक पहुंच सकता है। एसएक्स निफ्टी भी आज तेज है, अभी तक कोई गिरावट नहीं, किसी तरह की कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। दूसरी बात समझ में आई कि आज कुछ शेयर्स, खासकर निजी बैंक वाले शेयर्स चल सकते हैं। येस बैंक हमको ज़्यादातर आज शेयर्स हमको रिकमेंड हुए हैं। इसके अलावा चाहें तो कुछ सीमेंट की कंपनीज को बाय कर सकते हैं आज, ये एवरेज करने के लिए हमको मिल रही हैं। इसके अलावा मार्केट के अंदर एक और चीज़ क्लियर हुई है कि समय अभी नहीं बढ़ रहा है। भारतीय एयरटेल को लेकर एक खबर हमने आपके सामने रखी है। तो चार पाँच चीज़ें जिसके बेसिस पर आप एक ध्यान रखेंगे। अब कॉमोडिटीज मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हैं या नहीं भी करते तो एक बार ये समझिएगा कि आज कौन सी कॉमोडिटीज चल फिर सकती हैं। अगर वो चलती हैं तो उसका मार्केट इक्विटीज मार्केट पर भी आता है। राजीव कपूर हेड है कॉमोडिटीज के ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज के अंदर, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव शुक्रिया समय देने के लिए। मार्केट में आज कैसे ट्रेड करना है? दो दिन से हम सोना और कच्चे तेल पर ही फोकस बनाए हुए हैं। सोने के अंदर कुछ मूव आता है बाद में प्रॉफिट बुकिंग होती है, और कच्चा तेल तो अच्छा मोमेंटम में चल रहा है। आज भी गोल्ड और क्रूड पे ही ध्यान रखें या फिर कॉमोडिटीज को बदलना होगा? गुड मॉर्निंग जिनप्रीत जी। देखिए, गोल्ड मुझे लगता है काफी बड़ी रैली के बाद थोड़ा करेक्शन दे रहा है नीचे की तरफ, और मुझे लगता है करेक्शन थोड़ा और गहरा सकता है। मैं समझता हूँ गोल्ड 29,700 के रेंज के बीच में जा सकता है नीचे में। तो आज का दिन तो इसे बिकवाली की सलाह रहेगी जब तक 29,600-29,700 तक ना आ जाए या 30,100 के ऊपर बजार ना चले। तो रणनीति रहेगी 29,950-980 के बीच में बेच के चले, स्टॉप लॉस 30,100 का रखें और 29,750 का लक्ष्य। ठीक है, और क्रूड पे काम करना है या फिर इसके अलावा गोल्ड के अलावा कौन सी कमोडिटीज है? देखिए सर, काफी कमोडिटीज में मूवमेंट है। बेस मेटल्स अब थोड़ा सा नीचे करेक्शन दे रहे हैं, उसमें बेच के चल सकते हैं। बट क्रूड मेरे को ज्यादा अच्छा कंटेंडर दिखता है अभी भी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे लगता है 3,080 एक मेजर असिस्टेंस है, इसके आसपास बेचना चाहिए, 3110 के ऊपर का एक स्टॉक रखना चाहिए, और नीचे में मैं 3030-3000 तक के लक्ष्य इसमें देखता हूँ। ठीक है, आज दोनों बेचने का दिन है। वैसे भी इक्विटीज मार्केट जब चलती है ना तो ये दोनों ही कमोडिटीज टिपिकली हमको सेल ही मिल जाती है। आप सेल कीजिएगा कच्चा तेल और ये आपको मिलेगा 3030 के टारगेट के लिए। आप सेल कीजिए सोना जो कि 30,000 के नीचे वापस फिसल आएगा 29,700 की रेंज के अंदर। तो दोनों को शॉर्ट कर सकते हैं, कच्चा तेल भी और सोना भी। और अब आपके आपसे एक और बात करना चाहते हैं, वह है आईफोन 8 को लेकर। अगर आप आईफोन 8 लेने का मन बना रहे हैं तो आपका अब इंतज़ार खत्म होने वाला है। एप्पल आज रात को ही अपने नए फ़ोन से पर्दा उठा देगा। इवेंट की शुरुआत आज रात 10 बजे से होगी। इस बार एप्पल आईफोन 8, आईफोन 8 प्लस लॉन्च दोनों करेगा इकट्ठे। इस बार आईफोन की 10वीं सालगिरह भी मनाई जा रही है। इस मौके पर आईफोन 10 लॉन्च भी किया जा सकता है। इससे पहले एप्पल आईफोन का एस वेरिएंट लॉन्च कर रहा था। इस इवेंट में LTE सपोर्ट वॉच, 4K टीवी समेत कई प्रोडक्ट पेश होने वाले हैं। और क्या क्या खास रहने वाला है, हमारे टेक गुरु अभिषेक तेलांग इस पे पूरी आपको जानकारी दे रहे हैं, जरा सुनिए उनको। देखिए, दिन तो आज का बहुत खास रहने वाला है, खासकर अगर आप एप्पल फैन बॉय या फैन गर्ल हैं तो आज आईफोन 8 और आईफोन X लॉन्च होगा। देखिए, एप्पल आज 3 आईफोन लॉन्च करने वाला है। नाम को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, कोई कह रहा है आईफोन 8 नाम होगा, कोई कह रहा है आईफोन 7S होगा। बट मेरा गैस ये है कि दो फोन्स तो होंगे आईफोन 8 और आईफोन 8S, और तीसरे फोन का नाम आईफोन X रखा जाएगा क्योंकि 10वां एडिशन है आईफोन का, तो इसलिए रोमन में एक्स को 10 कहते हैं, इसलिए आईफोन एक्स नाम होगा। फीचर्स की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से डिजाइन बदलने वाली है इस आईफोन की। यहां पर नए मटेरियल यूज हो रहे हैं, ग्लास बैक यूज हो रहा है, पूरी स्क्रीन नई तरीके की इस्तेमाल की जाएगी। जो स्क्रीन है इस बार पहली बार एप्पल में OLED डिस्प्ले यूज होगा, जो ज्यादातर एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में आपको देखने को मिलता है OLED यानी ऑर्गेनिक LED स्क्रीन। तो इसमें होता यह है कि दरअसल कलर ज्यादा वाइब्रेंट, ज्यादा विविड नजर आते हैं, और एप्पल पहली बार इस तरीके की स्क्रीन को अपने किसी भी स्मार्टफोन में इस्तेमाल कर रहा है। सेम अगर देखा जाए तो कैमरा पूरी तरीके से नए तरीके का आएगा जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे सॉफ्टवेयर्स को भी, उस तरीके की टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करेगा। फिर अगर देखा जाए तो डिजाइन में एक जो बहुत बड़ा बदलाव यह होगा कि जो एप्पल के आईफोन में ये जो होम बटन अब तक 9 एडिशंस में पिछले 9 सालों से हम देखते आ रहे थे, ये होम बटन शायद इस बार नहीं होगा, बल्कि आईफोन को लॉक अनलॉक करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन का सहारा लिया जाएगा, यानी आप फोन को जैसे ही देखेंगे फोन अनलॉक हो जाएगा। तो इस तरीके की काफी नई टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेंगी। अगर इंडिया अवेलेबिलिटी और इंडिया प्राइसिंग की बात की जाए, जो आईफोन X है उसके बारे में रूमर्स ऐसे मिल रहे हैं कि $1,000 के ऊपर
यूएस में लॉन्च होगा, यानी कि अगर इसे मोटा मोटा कन्वर्ट करें और टैक्सेस भी लगा दें तो भारत में इसका प्राइसिंग जो है करीब 1 लाख से ऊपर या 1 लाख के आसपास रहने की पूरी पूरी उम्मीद है, जो आईफोन एक्स मॉडल होगा, मतलब टॉप एंड मॉडल। और अगर अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो सूत्रों से पता चल रहा है कि आईफोन जो एक्स है वो इस साल भारत में नवरात्र के दौरान लॉन्च होगा और ये शायद भारत में सबसे पहले लॉन्च होने वाले आईफोन्स में शायद शुमार किया जाएगा। ठीक है, तो आईफोन को लेकर जितनी जानकारी आपको चाहिए थी वो आपको मिल चुकी है। अब तो खैर जब पर्दा उठेगा तब आपको और फीचर्स दिख जाएंगे और सब कुछ दिख जाएगा, लेकिन हाँ जितना कलेक्शन हम कर सकते थे अलग अलग सोर्सेज से काफ़ी मेहनत करके इस सारा का सारा डाटा अभिषेक हमारे लिए लेके आए हैं और आपके सामने हमने रख दिया है। अब आपको फ़ोन तो लेना है, लेकिन फ़ोन लेने के लिए चाहिए होगा पैसा। पैसा मिलेगा शेयर बाजार से। शेयर बाजार से कैसे? जो ब्रोकरेज हाउसेज के हम व्यू देखेंगे, अब वही देख लेते हैं। रजत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रजत बताएं ब्रोकरेज हाउसेज की व्यू क्या है। तो बिल्कुल, जो सुर्खियों में शेयर वो है इंडसइंड बैंक, क्योंकि भारत फाइनेंशियल के साथ जब मर्जर की खबर निकल आई तो ब्रोकरेज हाउसेज का जो नजरिया है वो एकदम से पॉजिटिव हो गया है। एक तो ओवरवेट रेटिंग दे दी है जेपी मॉर्गन ने और लक्ष्य को भी बढ़ा दिया है, 1675 से बढ़ाकर वो अगला टारगेट दे रहे हैं 1975। और कल सबसे ज्यादा बढ़ने वाला स्टॉक था निफ्टी बैंक में, तो आप उसको नजर अभी भी रख सकते हैं। यूबीएस भी इंडसइंड बैंक पर जो रेटिंग दे रहा है वो न्यूट्रल की है, लेकिन टारगेट ऊपर के हैं, 1800 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। तो ज्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस की जो कवरेज है वो यहां पर पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर। अब आज फोकस रहेगा टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पे, स्पेशली टाटा स्टील पे, क्योंकि ये जो एक जेवी की खबर निकल आई है रास्ता साफ है अब थिसन ग्रुप के साथ यूके की सब्सिडियरी का मर्जर का, तो वो एक बहुत बेहतरीन ट्रिगर समझा जा रहा है। और आज एचएसबीसी की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने खरीदारी की सलाह बरकरार रखी है, 750 का लक्ष्य दिया है और साथ ही साथ मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रखी है उन्होंने, बरकरार रखी है ये रेटिंग। जो टारगेट्स दे रहे हैं वो 741 के, 15 बिलियन पाउंड का जो पेंशन लायबिलिटी है वो खत्म होती हुई नजर आएगी। नेगोशिएशंस इसी को लेकर थे पिछले 1.5 साल में और अब इसका रास्ता साफ हो गया है, तो एक बड़ी डील हो सकती है जो टाटा स्टील को डोमिनेट करे। जेफरीज की रेटिंग आई है एचयूएल पे और उन्होंने खरीदारी की सलाह बरकरार रखी है, लेकिन जो टारगेट्स हैं उसको कंप्लीटली रिवाइज कर दिया, 1150 से बढ़ाकर 1320 के टारगेट्स वो एचयूएल पे दे रहे थे और यहां पर जो है पिछले सत्र में भी काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिली थी। एक रिपोर्ट है जो अंडरवेट की है वो है कोल इंडिया पे मॉर्गन स्टैनली की, और यहां पर उन्होंने जो लक्ष्य है वो 221 का रखा है, लेकिन उनका ये कहना है कि इन्वेंट्रीज जो है पावर प्लांट्स में वो कम होती चली जा रही है, वो एक नेगेटिव ट्रिगर कोल इंडिया के लिए प्ले कर सकता है और उन्होंने अंडरवेट रेटिंग दी है टारगेट 221। ठीक है, एक कोल इंडिया पे आप ध्यान रखें, 221 तक का वापस टारगेट आ रहा है, इस पर अंडरवेट रेटिंग है, बड़ी मुश्किल से वापस 250 के ऊपर पहुंचा था लेकिन अब फिर से अंडरवेट रेटिंग की एक रिपोर्ट आ गई है मॉर्गन स्टैनली की, 221 तक का टारगेट है। खैर इसका एनालिसिस हम आगे वाले कार्यक्रम में जरूर करेंगे, अभी आप रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ नोट कर लें। अच्छा, एक और चीज है जो आज शाम को ना 5:30-5 बजे के आसपास आएगा, वो आएगा आईपीओ सीपीआई के आंकड़े, आप जरा इसको भी देख लीजिए ये आंकड़े कैसे रह सकते हैं। मैंने आपसे कहा भी था कि बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बार, ये जुलाई में जो इस बार जुलाई का आंकड़ा आएगा आईएपी का वो -0.1 के मुकाबले इस बार 1.8 संभव है, यानी कि इसमें थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। ये पिछले हमने 5 महीने के जब आंकड़े आपको बताए थे 1-2 दिन पहले उसमें 2 बार नेगेटिव था, अब हम पॉजिटिव की तरफ वापस बढ़ रहे हैं, 1.8 रहेगा। और पिछले साल जुलाई में, पिछले साल YOY कंपैरिजन में ये 4.5 था, खैर उससे तो बेहद कम है, लेकिन अब महीने दर महीने में इसमें सुधार होगा। अब CPI की बात कीजिए, महंगाई जिसको लेकर RBI काफ़ी चिंतित रहती है, सरकार भी चिंतित है, हमारी भी चिंता बढ़ जाती है, उसमें ये 3.2 रहेगी अगस्त के अंदर। ये जुलाई में जो CPI की महंगाई दर थी वो 2.36 थी, यानी कि जुलाई के मुकाबले जो अगस्त का आंकड़ा आ रहा है ना महंगाई का वो थोड़ा बढ़कर आ रहा है, यानी कि देश में महंगाई थोड़ी सी और बढ़ रही है। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसके बेसिस पर सब्जियां, सर्विसेज, फ्यूल सबका असर दिखेगा इस महंगाई के आंकड़ों पर।